नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हमारे पास एम्बुलेंस में जो यूज होता है सायरन, वो वाला एम्पलीफायर आया है। इस एम्पलीफायर से सायरन पता नहीं होगा वो एम्बुलेंस में सायरन कैसे बजता है, किस चीज़ से बजता है। देखिए इसका पीछे का, देखिए सिस्टम, देखिए पीछे इसका कनेक्शन है। ये कनेक्शन है ऊपर का, जो हॉर्न रहता है ये हॉर्न का कनेक्शन है ये दोनों, ठीक है। और ये वाला है 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। और ये वाला है सायरन के साथ साथ जो लाइटिंग रहता है वो, ये कनेक्शन है, ठीक है। सामने का समझ लेते हैं। देखिए ये इसका वॉल्यूम है और इसने आवाज़ चेंज करना करने का सिस्टम है, ठीक है। ये इसका ऊपर का हॉर्न है और नीचे का सायरन है, और यहाँ पे लाइटिंग, सायरन और इसका, ये देखिए इसमें लाइटिंग, ब्राइट लाइट ये दिया हुआ है, और इसका सायरन है, और ये पावर स्विच है, ठीक है। तो कस्टमर ले आया एम्बुलेंस वाला, तो बोला कि इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है। ये बटन की तरह दिखता है, ये बटन नहीं है, फ्यूज़ है। देखिए ये ऐसे खोल सकते हो, देखिए ये टूट गया है, ये अंदर से खुल गया होगा, कोई बात नहीं, इसको हम रिपेयर कर लेंगे। ये इसका सायरन स्विच है और ऊपर वाला हॉर्न है, ऐसे डायरेक्ट देने से हॉर्न बजते रहेगा और नीचे इसके दबाने से हॉर्न सायरन बजेगा, ठीक है। तो हम इसको रिपेयरिंग करेंगे और खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। चैनल पे बने रहिए, ठीक है दोस्तों, चैनल पे बने रहिए। ये अनकॉमन चीज़ हम रिपेयर करेंगे, चैनल पे बने रहिए। तो पहला हम इसको रिपेयर ओपन कर लेते हैं। इसका मैंने समय के बचत के लिए स्क्रू खोल के रखा हुआ है, पीछे में स्क्रू रहता है, ठीक है। तो इसको हम खोलते हैं, ऐसे खोलना चाहिए। देखिए अंदर कितना धूल मिट्टी जमा हुआ है। तो पहले देखते हैं इसमें यह प्रॉब्लम है, देखिए ये टूट गया है, और इसका कनेक्शन देखिए, ये देखिए इसको घुमाते घुमाते कनेक्शन सारा टूट गया है, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको साफ कर लिया है, तो पहले हम ये वॉल्यूम को ये वॉल्यूम हमने इधर से निकाल लिया है। देखिए देखते हैं टूट गया है कि ठीक है, ये वॉल्यूम टूटा नहीं है, ठीक है। तो इसका हम जैसा था वैसे इसको लगा लेते हैं। नॉट भी टूट गया है, दूसरा नॉट देना पड़ेगा। ये दूसरा नॉट हमने ले लिया है, इसको इधर अच्छे से लगा देते हैं।
ये हमने इसका वॉल्यूम कंट्रोल को अच्छी तरह से लगा लिया है। अब इसका कनेक्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर यहाँ इसका कनेक्शन टूटा हुआ है, तो इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं। इस पॉइंट से ये वॉल्यूम का वायर निकलता है। तो हमको कैसे ऑडियो चेक करेंगे, पहले हम इसमें सप्लाई देंगे। ये हमने ट्रांसफार्मर ले लिया है, तो हमने ट्रांसफार्मर को इसी पे लगा दिया है। और ये हमने देखिए बड़ा सा स्पीकर ले लिया है, इसको हम इस सायरन के जगह स्पीकर लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसमें ऑडियो चेक करेंगे, ऑडियो मिलता है कि नहीं। इसमें वोल्टेज आए कि नहीं, ठीक है। ये वोल्टेज हमें इधर मिल रहा है, तो हम इसमें पहले सप्लाई कनेक्शन देंगे। तो हमने इसमें 12 वोल्ट का कनेक्शन इधर लगा दिया है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे इस तीनों वायर में कहाँ से ऑडियो आ रहा है, कितना ऑडियो आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑडियो आना चाहिए, अगर नहीं ऑडियो नहीं निकलेगा तो हमारा सायरन भी नहीं बजेगा, ठीक है। तो हम पहले इसमें सप्लाई देंगे। ये हमने इसमें सप्लाई कनेक्शन दे दिया है, तो अभी हम इसमें देखेंगे वोल्टेज कितना हमें इनपुट हो रहा है। ये देखिए 15 वोल्ट हमें इनपुट हो रहा है और स्विच के आउटपुट से 15 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमें इनपुट इधर मिल गया है, यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो हम पहले चेक करेंगे हमें ऑडियो मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 वोल्ट मिल रहा है, तो हमने मतलब ये जो स्विच है ये स्विच को ऑन करना होगा। देखिए ये स्विच ऑन करने के साथ साथ साउंड भी आ गया, लेकिन इधर ऑडियो मिल रहा है, ठीक है, साउंड क्लियर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा एम्बुलेंस का साउंड भी आ रहा है, ठीक है, मतलब ऑडियो कम आ रहा है। तो हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं, इसको बंद कर दिया। ये जो वॉल्यूम का कनेक्शन, ये सब कनेक्शन को हमको एक एक करके वॉल्यूम पे जोड़ना होगा।
अब ये कौन सा वायर है, मतलब यहाँ पे जो ग्रीन वाला तीन इंडिकेटर है, इसमें हम इसको हमें ग्राउंड कनेक्शन करना है। ग्राउंड कनेक्शन देने से ही यहाँ पे जो तीन इंडिकेटर है वो जलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ग्राउंड कनेक्शन कर देते हैं, तभी हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा। ये ग्राउंड हमें इस वॉल्यूम पे मिलता है, तो अभी हम ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा जो एम्पलीफायर है ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं। देखिए हमारा कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे लगा के देखेंगे किस में साउंड ज़्यादा होता है, तो हमको पहले अच्छे से देख लेना होगा। ये साउंड ज़्यादा होता है, मतलब ये हमारा हो गया आउटपुट, ये हमारा हो गया इनपुट, और रेड वाला हो गया ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए कनेक्शन कैसे उल्टा पुल्टा है, तो अभी देखिए हमारा एम्पलीफायर रेडी हो गया है। अभी हम इसमें देखेंगे यहाँ पे जो लाइटिंग कनेक्शन है, तो लाइटिंग देखिए, तो पहले बंद हो गया, यहाँ इसको ऑन करेंगे, ये हमारा साइरन का स्विच है, ये हमारा लाइट का स्विच है, जो ऊपर का लाइट ऐसे ऐसे करता है, इसका स्विच है, और ये पावर स्विच है। ये बंद कर दिया या चालू किया, ये लाइट अगर दिन में चाहिए तो जलाएंगे, रात को ज़्यादातर रात को लगाते हैं। और ये बी कास्टिंग है, इसको इसमें ऑडियो मिलता है, ऑक्स लाइन पर काम करता है, ठीक है। तो हमने ऑन कर दिया, देखिए कैसा साउंड निकलता है, ये हॉर्न है, ठीक है। इसको एक बार ही दबा सकते हैं, ऊपर दबाने से डायरेक्ट हॉर्न बजता है, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीफायर रिपेयरिंग हो गया। ज़्यादातर ये जो आहूजा का एम्पलीफायर होता है, इस तरह से ही होता है, मतलब ये मॉस्फेट से बनाया हुआ है, दोनों मॉस्फेट इधर है, ठीक है। या फिर कौन सा मॉस्फेट लगा हुआ है आपको दिखाते हैं, देखिए TIP-36C यह वाला मॉस्फेट, दोनों तरफ सेम टू सेम है। देखिए 36C, ये दोनों मॉस्फेट ऑडियो का काम करता है। और यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है,
ठीक है, ये वाला आईसी से हमें तरह तरह का साउंड निकलता है, और ये सिस्टम आईसी है, और ये इसका जो एम्पलीफायर बूस्ट करता है ये वाला आईसी है। ठीक है, यहाँ पर दो मॉस्फेट और भी है इधर, तो यहाँ पर ड्राइवर है और यहाँ पे एक रिले है, जब भी हम ऑन करते हैं तो रिले में आवाज़ आता है। इसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे हमें पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है दोस्तों, कृपया कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से ऑन करते हैं, देखिए ठीक है, इसे स्पीकर हम लगा सकते हैं, लगा के बजा सकते हैं। अक्सर इसमें हॉर्न लगा हुआ रहता है, तो हमारा ये एम्पलीफायर रिपेयरिंग हो गया। इस ड्राइवर से आउटपुट निकलता है जिससे हॉर्न बजता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लाइक।